दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने को लेकर उपराज्यपाल द्वारा पत्र उन्हें लिखे जाने पर आम आदमी पार्टी आप ने इस पर सफाई देते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपने कहा कि एलजी ने यह चिट्ठी प्रधानमंत्री के निर्देश पर लिखी है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने पर सवाल उठाए थे। एलजी ने कहा कि कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की ओर से राष्ट्रपति की अगुवाई नहीं किए जाने को लेकर उनके अपमान की बात कही गई है। ये भी पढ़ें, गांधी जयंती पर राजघाट क्यों नहीं आए, प्रोटोकॉल टूटा, एक्को एलजी का लेटर। इस पर आपने जवाब देते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने पिछले कई वर्षों में हमेशा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उस दिन सीएम गुजरात में थे और इसलिए वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। एलजी की चिट्ठी की वजह को समझना जरूरी है। सीएम ने 2 दिन पहले अहमदाबाद में गुजरात के आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया था, जहां पीएम के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गई थी। पीएम जल रहे हैं, यह पत्र एलजी ने पीएम के निर्देश पर लिखा है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा, अगर भाजपा वाले गांधी जी शास्त्री जी के दिखाए रास्ते पर चलकर स्कूल बनवाते, किसानों के लिए कुछ करते तो ज्यादा अच्छा होता। गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़े जन सैलाब और पीएम की रैली में खाली कुर्सियों के बाद ये पत्र लिखाया गया है। सीएम ने पीएम को रिसीव क्यों नहीं किया, एलजी ने पत्र में लिखी ये बातें। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के प्रति असम्मान प्रकट करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि ना तो केजरीवाल और न ही उनके मंत्री महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक राजघाट और विजय घाट पर मौजूद रहे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत में दूसरे देशों के दूतावास के प्रतिनिधि तक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां मौजूद थे। उपराज्यपाल ने रेखांकित किया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी दिखाने भर को कुछ मिनटों के लिए कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में पूरे समय तक रहना उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इस तरह की उपेक्षा से भविष्य